हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सेकंड पेपर नाउ, फर्स्ट पेपर अपना चल रहा है मैकेनिक्स का, सेकंड यूनिट चल रही है अपनी। तो आज यूनिट में अपन पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने टक्कर पढ़ी थी, एक तो सीधी सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर और एक अप्रत्यास्थ टक्कर भी पढ़ी थी, जो कि ब्रह्मांड के निर्देश तत्व में भी प्रयोगशाला तत्व में है। आज अपन पढ़ेंगे द्विविमीय, ये इसको त्रिविम कह सकते हैं, द्विविमीय या त्रिविम प्रत्यास्थ टक्कर। तो डायमेंशनल प्लास्टिक पॉलीगन, टू डायमेंशनल प्लास्टिक पॉलीगन डीपीपी, यानी दो दिशाओं में जब हो तल में होने वाली टक्कर, तो जानते हैं तो द्विविमीय गति होती है, तल में होने वाली गति का कहते हैं द्विविमीय गति। एक सरल रेखा में हो तो एकविमीय होती है और एक तल में हो तो क्या होती है द्विविमीय। एकविमीय हम पढ़ चुके हैं पहले, सीधी टक्कर जो एकविमीय थी एक सरल रेखा में थी, और आज अपन पढ़ेंगे द्विविमीय टक्कर जो एक तल में होगी। तो तल में होने वाली टक्कर के लिए अपन यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं एक्स वाई तल ले रहे हैं, निर्देश तत्व के रूप में एक्स वाई तल हो गया, ये एक्स अक्ष होगी और ये वाई अक्ष। तो इसमें मान रहे हैं अपन एम वन द्रव्यमान का पिंड, एम वन द्रव्यमान का पिंड इसका वेग यू वन, इसी एम टू द्रव्यमान के स्थिर पिंड से टक्कर होता है। एम टू द्रव्यमान का स्थिर पिंड मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है जीरो। इस टक्कर के बाद एक पिंड एक्स अक्ष की दिशा से थीटा वन कोण पर वी वन वेलोसिटी से, और दूसरा पिंड जो एम टू द्रव्यमान का है वो एक्स अक्ष के साथ थीटा टू एंगल पर वी टू वेग से गति कर रहा है। हम क्या लिख सकते हैं, माना एम वन द्रव्यमान का पिंड यू वन वेग से प्लस एक्स दिशा में गति करते हुए एम टू द्रव्यमान के स्थिर पिंड से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। स्थिर पिंड से प्रत्यास्थ टक्कर करता है, यानी यू टू द्रव्यमान एम टू द्रव्यमान का पिंड यू टू जो जीरो वेग है इससे टक्कर करता है। टक्कर के बाद दोनों पिंड एक्स दिशा से थीटा वन पर थीटा टू कोण पर जीवन वेग से गति करते हैं। जीवन वेग से गति करते हैं, थीटा वन कोण है और ये थीटा। अब इसमें चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर है, तो सम
वेग संरक्षण भी होगा और भौतिक ऊर्जा संरक्षण भी होगा। पहले अपन देखिए इसको वेग संरक्षण लगाएं और देखिए संवेग संरक्षण से पहले एक्स दिशा में लगाएं क्योंकि टीवी में गति है तो दोनों दिशाओं में अलग अलग संरक्षण होगा एक्स दिशा में और वाई दिशा में। एक्स दिशा में देखते हैं तो टक्कर से पहले पिंड का संवेग है M1 U1, दूसरे पिंड का कोई संवेग नहीं क्योंकि वो स्थिर है 0, और टक्कर के बाद इसका संवेग M1 U1 है, इसका एक्स घटक क्या आएगा इस दिशा में M1 U1 cos थीटा 1, वाई दिशा में घटक आएगा M1 U1 sin थीटा 1। ऐसे दूसरे का घटक एक्स दिशा में आएगा M2 V2 cos थीटा 2 और इधर आएगा M2 V2 sin थीटा 2। टक्कर जब हो एक्स दिशा में चलते हैं M1 V1, टक्कर के बाद पहले पिंड का हो गया M1 V1 cos थीटा 2, दूसरे का हो गया M2 V2 cos थीटा 2। इसी प्रकार वाई दिशा में लिखे वायु दिशा में तो किसी का भी संवेग नहीं, टक्कर से पहले तो एक्स दिशा में गति करना है कण और दूसरा वाला स्थिर है 0 टोटली, और टक्कर के बाद पहले पिंड का हो गया M1 V1 साइन थीटा 1 और दूसरे पिंड का नीचे की तरफ है तो माइनस हो गया M2 V2 साइन थीटा 2। और चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर है इसलिए गतिज ऊर्जा का भी संरक्षण होगा, तो गतिज ऊर्जा संरक्षण से टक्कर से तो पहले पिंड का संवेग हाफ M1 U1 स्क्वायर, दूसरा पिंड स्थिर है इसलिए 0, टक्कर के बाद पहले पिंड का हाफ M1 U1 स्क्वायर और दूसरे पिंड का हाफ M2 V2 स्क्वायर, ये हो गया गतिज ऊर्जा का संरक्षण। अब इसमें विशेष स्थिति अगर अपन लें, अगर दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान मान लिए जाए, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान हो, द्रव्यमान समान होने का मतलब M1 बराबर M2 बराबर N मान लेते हैं, दोनों के द्रव्यमान समान मान लिए तुमने m, अगर द्रव्यमान समान मानते हैं तो समीकरण 1, 2, 3 द्वारा से क्या लिखे जाएंगे, समीकरण 1, 2, 3 में लेख को लिखेंगे m संदर्भ लिखेंगे m बन जाएगा क्या हो जाएगा u1 बराबर v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। इसी तरह समीकरण 2 को क्या लिखेंगे 0 बराबर M1 M2 कॉमन आके V1 चला जाएगा, तो V1 sin थीटा 1 माइनस V2 sin थीटा 2। इसी तरह समीकरण 3 क्या लिखा जाएगा, ये हाफ M1 सब पड़ जाएंगे बराबर है क्या हो जाएगा बच्चा का U1 स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, तो समीकरण नंबर लिख दिया हमने 6। अब 4 और 5 को वन करके जोड़ दें, समीकरण 4 और 5 को वर्ग करके जोड़ने पर तो 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ा तो इसका U1 स्क्वायर इसका 0 है, U1 स्क्वायर बराबर हो गया, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो V1 स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस का प्लस साइन का एक आ गया यानी V1 स्क्वायर, या फिर पहले होल स्क्वायर करके इसको फिर जोड़ेंगे V1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 V1 V2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। सेकंड समीकरण को जोड़ेंगे
माइनस
समय जीरो होता है, पहले कंडीशन में हमने लिखा था, चूंकि द्रव्यमान एक निर्देशक में पिंडों का कुल संवेग शून्य होता है, टक्कर से पहले भी और टक्कर के बाद से पहले हमने क्या हो गया, पहले पिंड का एम वन यू वन डैश दूसरे पिंड का एम टू यू टू डैश बराबर क्या हो गया जीरो। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, एम वन यू वन डैश बराबर माइनस एम टू यू टू डैश, यू टू डैश बराबर एम वन माइनस ऑफ एम वन यू वन डैश अपॉन एम टू। इसी तरह से टक्कर के बाद भी कुछ होंगे जीरो होगा, एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश बराबर जीरो, एम वन वी वन डैश बराबर माइनस एम टू वी टू डैश, वी टू डैश बराबर क्या आएगा माइनस एम वन वी वन डैश अपॉन एम टू। अब इन दोनों समीकरणों से स्पष्ट हो रहा है समय बराबर और विपरीत है, टक्कर से पहले भी और टक्कर के बाद भी। इन इक्वेशन से देखें हम इसको अपन ये शो कर सकते हैं, टक्कर के पहले देखना है तो ये द्रव्यमान एम, ये एम वन द्रव्यमान का पिंड इधर, इसका वेग यू वन डैश और एम टू द्रव्यमान का पिंड ये, इसका वेग यू टू डैश, दोनों की दिशा विपरीत है, में विपरीत है मतलब दिशा विपरीत है, माइनस में है इधर है जड़ का लगता हुआ दिखाई देगा, एक टक्कर से पूर्व हो गया और टक्कर के बाद अगर दिखाए इस समय तो ये तो फिर द्रव्यमान नियम क्योंकि थीटा कोण पर विक्षेपित होंगे दोनों ही, संवेग बराबर है इसलिए समान कोण पर विक्षेपित होंगे, ये थीटा कोण पर है ये थीटा कोण पर, ये एम वन द्रव्यमान का पिंड इसका वेग
यहां से बचा 1 प्लस स्क्वायर एक एम में बच गया 1 एम बराबर इधर से ये फॉर्मूला ले लो m1 b1 स्क्वायर 1 प्लस m1 अपॉन m जैसे काम कर करके m1 से m1 कट गया क्या गया b1 स्क्वायर बराबर b1 स्क्वायर या b1 बराबर प्लस माइनस u1 प्लस माइनस का मतलब क्योंकि अगर प्लस वाला चिन्ह लेते हैं तो कर सकते हो इसी प्रकार से हम u डैश को कर सकते हैं इसी प्रकार u डैश इक्वल टू प्लस माइनस u2 डैश ये तो अपन ने b2 और u2 डैश का मान लगा था इसलिए आ गया तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है b1 डैश इक्वल टू प्लस माइनस u डैश तो प्लस u1 डैश का टक्कर से बोलने वाला हो गया माइनस u1 डैश का टक्कर के बाद वाला हो गया जैसे b2 डैश बराबर प्लस u2 टक्कर से पूर्व का हो गया प्लस माइनस वाला टक्कर के बाद का हो गया तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड के प्रवेश तत्व में टक्कर के बाद कणों के वेग का परिमाण उतना ही रहता है जितना टक्कर से पूर्व का केवल डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो जाती है यानी सकते हैं अपन u1 डैश का परिमाण बराबर u1 डैश का परिमाण बराबर यू टू डैश अर्थात ब्रह्मांड के प्रदेश तत्व में टक्कर के बाद पिंडों के वेगों का परिमाण अपरिवर्तित रहता है जो टक्कर से पहले का वही रहेगा अपरिवर्तित रहता है परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है दिशा एक दूसरे के विपरीत माइनस से नीचे होकर दिशा विपरीत रहती है लेकिन परिमाण कैसे रहता है पहुंचे जैसा है अपने अपन एक केलन कोण ज्ञात करेंगे थीटा का मान
b1 बराबर क्या लिखा था पहले, b1 डैश लिखा था, b1 माइनस bc है, यानी b1 बराबर कर सकते हो b1 डैश प्लस bc है। इसी तरह से b1 दिया है हमने, लिखते हैं b1 डैश प्लस bc है, इसी प्रकार b2 भी लिख सकते हैं, b1 डैश प्लस b1 डैश बराबर हमारे इसके आधार पर होगी, यदि m1 ग्रेटर देन m2 पहला पेड़ बड़ा है छोटा दूसरा है, तो m1 ग्रेटर देन m2 तो m1 अपॉन m2 का मान जो है वो 1 से ज्यादा है, और 1 से ज्यादा आएगा तो ये समीकरण 9 लिखो, इसको समीकरण 9 का हर नीचे वाला कभी भी
शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। यानी अगर cos theta की वैल्यू जीरो हो जाए बेटा 90 होने पर, तो भी इसका मान कुछ ना कुछ बचेगा क्योंकि एक से ज्यादा मान आ जाए, शून्य नहीं होगा। इसका मतलब थीटा का मान क्या होगा, पाई बाय 2 से कम, tan थीटा का मान जो आएगा, tan थीटा नीचे जीरो होने पर मान क्या था अनंत, अनंत किसके लिए होता है 90 के लिए, यानी tan थीटा का मान क्या होगा अनंत से कम, यानी कि थीटा 1 लेस देन क्या होगा पाई बाय 2, यानी 90 डिग्री से कम कोण पर परपेंडिकुलर होगा अगर ये स्थिति। नंबर दो, यदि m1 बराबर है तो m1 अपॉन m2 का मान क्या है 1, और जब ये 1 है तो cos थीटा का मान माइनस 1 भी हो सकता है। इस स्थिति में cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 अर्थात थीटा इक्वल टू पाई, cos x अक्ष का मान था ना माइनस 1, थीटा इक्वल टू पाई होने पर tan थीटा का मान क्या होता है ना, ये पूरा नीचे जा रहा है, ये माइनस 1 हो गया, ये प्लस 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, समथिंग बट ये 0 है ना, इसका मतलब थीटा का मान क्या होता है पाई बाय 2, यानी इस कंडीशन में कौन 90 डिग्री पे कभी भी हो सकता है। और तीसरा, यदि m ना लेस देन कम आया मतलब तो ये भी पॉजिटिव होगा कि एक से कम, और cos θ वैल्यू मान लो माइनस में ना दी तो माइनस 1 प्लस एक से कम तो कुल मान क्या है माइनस में, और माइनस में आने का मतलब tan θ का मान अनंत से ज्यादा, यानी θ का मान पाई बाय 2 से ज्यादा, यानी विपरीत दिशा में भी आ सकता है, अभिनयित होकर लौट सकता है थर्ड कंडीशन में। अगर हल्का पॉइंट भारी पिंड से टकरा है तो वापस आने की संभावना है, कि पहली स्थिति में यह भारी पिंड हल्के पिंड से टकराता है तो वापस आने की संभावना नहीं है, 90 डिग्री से कम मान के जाएगा 30 से 40 से 50 से 60 कह सकता है, अगर दोनों बराबर के हुए तो 90 डिग्री कह सकता है एक पिंड टकरा के, और अगर पहला वाला हल्का है हल्का पिंड भारी से टकरा है तो वापस आ सकता है 90 डिग्री से ज्यादा कौन है, यानी वापस आने की संभावना। ये तीन स्थितियां यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है।